जय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NIS ऑनलाइन हब में। तो दोस्तों, 94,000 शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। गुड न्यूज़ ये है कि जो मेधा सूची है, यानी जो मेरिट लिस्ट है, अब 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का ही निकाला जाएगा। लेकिन जो प्राथमिकता वाली बात हो रही थी कि वहाँ पर जो आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय में जो है एक सीटेड दिसंबर वाले केस है, जिसमें आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा सकता। दूसरा जो केस है वो जो है प्राथमिकता को लेकर है। तो दोस्तों, निदेशक महोदय जी का कहना है कि जो है 3 तरह का जो है अब मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बीएड अभ्यर्थियों का अलग, डीएलएड अभ्यर्थियों का अलग, और दोनों साथ में, यानी 3 तरह का जो है तैयार करके रखा जाएगा। जैसे ही उच्च न्यायालय का जो डिसीजन आता है उसके जो है सम्मान करते हुए आगे की प्रक्रियाएं चालू रखेगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए जो है कुछ भी फैसला आ सकता है। अगर फैसला आता है तो, यानी सीटेट दिसंबर वालों का भी लिए भी ये भी कहा कि हमें किसी से बैर नहीं है, यानी सब हमारे जो है मित्र हैं, चाहे जुलाई हो, सीटेट दिसंबर हो, यानी जो है बीएड हो, डीएलएड हो, सभी कैंडिडेट जो है हमारे मित्र हैं, यानी जो है सभी को नौकरी मिले। उसने ये भी कहा कि लेबरेंस का वैकेंसी, यानी जो फिजिकल टीचर्स का यह पूरा डाटा जो है तैयार हो गया है, वो जल्द ही उसका जो है ऑनलाइन प्रोसेसिंग होगा और 15 दिन का टाइम मिलेगा। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग अब जो है बहुत ही सकारात्मक बेस से काम कर रही है, जल्द ही बहाली पूर्ण करा लेगी, ऐसा है दोस्तों आभास हो रहा है। और जैसे जो भी न्यायालय की तरफ से अपडेट आएगा आपको दी जाएगी। और दोस्तों, सीटेट दिसंबर वालों के लिए आप देख सकते हैं, कल जो है ट्विटर कैंपेन चलाया गया था, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रतिपक्ष नेता ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि सीटेट दिसंबर 2019 बहाली महत्वपूर्ण शिक्षक को न्याय दिया। आप देख पा रहे होंगे ये अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, और आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों को भी साझा किया गया है। तो जहां तक कि दोस्तों बात है, सीटेट दिसंबर वालों को भी मौका मिल सकता है, हाईकोर्ट का जो डिसीजन होगा शिक्षा विभाग भी उससे सम्मान करेगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।